Welcome friends to my Tech Legend YouTube channel. Today I am going to talk about programming. What is programming? Why we should learn programming? So without wasting the time, let's get started. प्रोग्रामिंग एक प्रोसेस होता है जो कि ह्यूमन लैंग्वेज को कंपाइल करता है कंप्यूटर की लैंग्वेज पर। नाउ कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या होता है? कंप्यूटर की लैंग्वेज होता है बाइनरी नंबर, जी हाँ बाइनरी नंबर। जैसे कि हमारी भाषा जैसे हिंदी इंग्लिश होता है वैसे ही कंप्यूटर की भाषा होता है बाइनरी नंबर। नाउ बाइनरी नंबर होता क्या है? अगर आप लोग एडवांस मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो तो आप लोगों को शायद मालूम होगा कि बाइनरी नंबर क्या होता है। बाइनरी नंबर एक टू बेस नंबर होता है जिसके सिर्फ दो ही डिजिट होता है जो है जीरो एंड वन। बाइनरी नंबर आप लोगों को क्लास 11th की मैथमेटिक्स में मिल जाएगा, क्लास 9 में भी मिल सकता है अगर आप लोग एडवांस मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो तो। और अगर आप लोगों को नहीं पता कि बाइनरी नंबर होता क्या है तो आप लोग मेरे बाइनरी नंबर के ऊपर एक वीडियो बना चुका हो, वो वीडियो देख सकते हैं। सो आप लोग समझ सकते हैं कि जब भी हम कोई कंप्यूटर टास्किंग परफॉर्म करते हैं, मतलब कि जब भी हम कोई बटन क्लिक करते हैं, कोई भी चीज इंटरनेट पर सर्च करना होता है और कोई भी वीडियो प्ले करना है, मतलब कि कंप्यूटर को ऑर्डर देना हो तो कंप्यूटर को वो ऑर्डर नहीं पता चलता है क्योंकि उसको हमारी भाषा जैसे इन भाषा को नहीं समझ में आता है, वो एक ही भाषा को समझ में आता है, वो है बाइनरी नंबर। सो यू कैन सी दैट बाइनरी नंबर एक बिग डाटा है जो ह्यूमन रीडेबल नहीं होता है, मतलब कि हमारे दिमाग में याद रखना नामुमकिन जैसा है। सो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए डेवलप किया है सैम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नाउ व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक फॉर्मल लैंग्वेज होता है जो कि ह्यूमन लैंग्वेज और कंप्यूटर लैंग्वेज पर कंपेयरिंग करता है, मतलब कि ह्यूमन लैंग्वेज और कंप्यूटर की लैंग्वेज जैसे कि बाइनरी नंबर और इंग्लिश, दोनों भाषाओं के बीच में एक रिलेशन मतलब कनेक्शन जोड़ देना, मतलब कि वो बाइनरी नंबर हमें रीडेबल कर देना, ये होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का काम। बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है जैसे कि सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, रूबी एक्सेट्रा। दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर यूज्ड इन देयर आर डिफरेंट प्लेटफॉर्म। सस अगर आप लोग ऐप डेवलपमेंट की बात करिए तो ऐप डेवलपमेंट में जावा और कोटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ज्यादा यूज होता है। अगर आप लोग गेमिंग की बात करिए तो गेम डेवलपमेंट में सी, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ज्यादा यूज होता है। अगर आप लोग हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी की बात करें तो हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी में पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ज्यादा यूज होता है। जी हाँ, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज द मोस्ट पावरफुल एंड इजिएस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ने कमेंट किया था कि हाउ कैन आई बिकम ए प्रोफेशनल हैकर, तो मैं उन फ्रेंड्स को बताना चाहता हूँ कि हैकर बनने से पहले, एक प्रोफेशनल हैकर बनने से पहले आप लोगों को पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना बहुत ही जरूरी होता है। सो आप लोग बहुत आसानी से पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हैं। मैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर एक अलग से वीडियो एपिसोड वाइज बनाऊंगा। सो आज के वीडियो में इतना ही। इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू देन लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ताकि जब भी हम कोई टेक्निकल वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करो तो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। Thank you for watching. See you in the next video.